Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, मैं योगी सारस्वत आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आपको लेकर चलता हूं दिल्ली के गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस। यहां आप ऐसे तो कभी भी जा सकते हो, बस सोमवार की छुट्टी रहती है और गजेटेड हॉलीडेज की छुट्टी रहती है। लेकिन अगर आप मार्च महीने में यहां जाएंगे तो आप गार्डन के साथ साथ यहां के फ्लावर शो को भी देख सकते हैं। फ्लावर शो मार्च यानी बसंत के मौसम में ही यहाँ पे आयोजित होता है और करीब एक महीने के आसपास तक चलता रहता है। फ्लावर शो में आपको फूलों से अलग अलग बनाई हुई शेप दिखेंगी, जैसे इंडिया गेट है या अलग अलग तरह की शेप बनाते हैं, ऊंट है, कैमल, या कभी कोई अलग तरह की शेप दे देते हैं और बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं वो देखने में। इसके अलावा दिल्ली टूरिज्म, दिल्ली पुलिस और दिल्ली गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं
उनकी इवेंट्स भी देखने को मिल जाती हैं और बड़ी अच्छी होती हैं। मतलब पैसा वसूल इवेंट है फ्लावर शो। वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड की जो ट्रेनिंग है या महिला विंग का पाइप बैंड है उसका आनंद लेने को मिलेगा आपको। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस अगर आप फ्लावर शो के टाइम पे जा रहे हो तो बेटर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि उस वक्त ना वहाँ काफ़ी रश रहता है, जैसे पार्किंग प्लेस की भी मुश्किल हो जाती है, पार्किंग प्लेस नहीं मिल पाता। येलो लाइन का जो मेट्रो स्टेशन है साकेत मेट्रो स्टेशन, उसके जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको ऑटो की लाइन दिख जाएगी, वो सब वहीं जा रहे होते हैं, लाइन लगा के रहते हैं। और दिल्ली टूरिज्म की बस भी मिल जाती है कभी कभी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाती है आपको उधर गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस तक फ्लावर शो के लिए। शेयर्ड ऑटो से जा रहे हैं 10 रुपये लेगा केवल, और अगर आप हायर करके जाना चाहते हैं तो 50-60 रुपीज़ में ले जाते हैं इजीली। फ्लावर शो के लिए टिकट लगता है वीकेंड में 50 रुपीज़ का टिकट लगता है, और बच्चों का टिकट वीकेंड में 40 रुपीज़ का होता है। अगर आप वीकडेज में जा रहे हैं तो आपके लिए मतलब एडल्ट्स के लिए टिकट होगा 40 रुपीज़ का, और बच्चों के लिए टिकट होता है 30 रुपीज़ का। ऑनलाइन और कैश कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं आप, वहाँ पे कैसे भी टिकट ले सकते हैं वो, और ज़्यादातर तो अब ऑनलाइन ही हो गया है। लेकिन जब जाएं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपके पास 4-5 घंटे का मिनिमम टाइम होना ही चाहिए, क्योंकि इतना टाइम वहाँ पर लग जाता है, अदरवाइज़ फिर आपको कुछ इवेंट्स छोड़ने पड़ेंगे। और कभी कभी जैसे मुझे मेरी मुलाकात हो गई थी, हाय हेलो हो गई थी आरजे रौनक से, वो अंकल बउआ बोल रहा हूँ वो वाला जो आरजे है आरजे रौनक, वो उससे हाय हेलो हो गई थी। तो कोई ना कोई इस तरह का आपको सेलिब्रिटी मिल जाएगा, और इवेंट्स इस तरह के मिल जाएंगे कि जो आपका मनोरंजन करते रहेंगे। खाने पीने के स्टॉल भी मिल जाते हैं वहाँ पे, बट आई वुड से कि लिटिल कॉस्टली हैं, 30-40 रुपीज़ के आसपास चाय मिलती है और 40 रुपीज़ के आसपास कॉफ़ी मिलती है। जोधपुर मतलब राजस्थान के भी खाने के स्टॉल वहाँ पे मिल जाते हैं, और वो भी बड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन 50-60 रुपीज़ से कम में कोई आइटम नहीं मिलेगा। कचौड़ी भी 60 रुपीज़ की पड़ी थी हमें, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको मज़ा आएगा। 4-5 घंटे आपको लगेंगे नहीं कि कब स्पेंड हो गए आपके, कहाँ चले गए 4-5 घंटे, क्योंकि अलग अलग तरह की इवेंट्स, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और उस टाइम तो बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि फाउंटेन भी चल रहा होता है। तो एक मतलब बोलूँगा कि पैसा वसूल इवेंट है ये, और अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास हैं तो आप भी जाइएगा, और अगर मौका है तो फैमिली को भी साथ लेके जाइएगा। लेकिन वीकेंड में डेफिनेटली थोड़ी सी रस रहती है, तो वीकडेज में भी जाएंगे वो बेटर होगा। अगर आपको रस को अवॉइड करना है तो आप वीकडेज में जाइए, और अगर ज़्यादा इवेंट्स का आनंद लेना है तो आप वीकेंड्स में जा सकते हैं, अदरवाइज वीकडेज में जाइएगा। ओके, आइए मैं आपको अब लेके चलता हूँ दिल्ली पुलिस की जो स्क्वाड है डॉग स्क्वाड, उसकी ट्रेनिंग देखने को मिली है वहाँ पे, आइए। थैंक यू। के लिए जोरदार तालियां। ये नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस होने वाली है, जब भी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ये हमारे डॉग जो मदद करते हैं, हमारी एक्सप्लोसिव सर्च करेंगे ये। अब इसमें किसने छुपा रखा है इनको पहले से बताया वाले की देखिएगा, इनके सामने ही छुपाएंगे। इसका डॉग इसको सर्च करने वाला है। Please hold.
आप लोग आराम से बैठिए, बहुत लंबा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है। स्टोर के डॉग स्टोर के बाद कुछ हमारे वुमेन बैंड की तरफ से फिल्मी परफॉर्मेंस होने वाली है, तो जोरदार तालियां हमारे कैस्ट्रो के लिए। कैस्ट्रो थोड़ा सा थक गया है, थोड़ा सा आराम कर रहा है, उससे पहले दयाल आएंगे, तो दयाल के लिए जोरदार तालियां। पानी में थोड़ी सी आप तेजी से करें। जोरदार तालियां कैसे दयाल के लिए, दयाल स्वच्छ कर लिया है।